मामूली विवाद पर सीआरपीएफ जवान को मुखिया पुत्र दर्जनों साथियों के साथ रॉड लाठी डंडे हथियार से मार किया घायल। बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि सीआईएसएफ जवान आईसीयू में भर्ती, डीएसपी से कार्रवाई की मांग को लेकर मिली पीड़ित पत्नी। बता दें धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में हुई बकझक के बाद मुखिया पुत्र और उसके दर्जनों साथियों ने सीआरपीएफ जवान की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी से पीड़ित पत्नी अपने देवर के साथ मिलने पहुंची। सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने कहा कि उसके पति का विवाद 8 मार्च को मुखिया पुत्र से हुआ था। 9 मार्च को मुखिया पुत्र गुंडों को बुलाकर बेरहमी से पिटाई कर दिया। फिलहाल पति निजी अस्पताल के आईसीयू में गंभीर स्थिति में भर्ती है। इधर पुटकी पुलिस दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। डीएसपी से मिलने के बाद डीएसपी ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारे हस्बैंड सीआरपीएफ जवान है, उनके साथ मारपीट की गई है, उसी की वजह से हम यहाँ पे इंसाफ लेने आए हैं। कब मारपीट हुआ? मारपीट मेन 9 तारीख को की गई है, बहस हुई थी 8 तारीख को। फिर थाना गए आप लोग? जी थाना गए। कब थाना कंप्लेंट की? थाना हम लोग 13 तारीख को गए, क्योंकि हम लोग इनके पीछे बहुत परेशान थे, बहुत गंभीर हालात में, अभी भी आईसीयू में एडमिट है वो। तो अब तक क्या हुआ? अब तक तो अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज हम लोगों को दिलासा दिया गया है सर से कि हम लोग पूरी कार्रवाई करी जाएगी, जो फैक्ट है हम वो जरूर करेंगे। अब तो कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ 81 बटालियन में जी। तो मिले डीसी साहब से क्या आश्वासन मिला? सर ने कहा हम लोग कठोर से कठोर कदम उठाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो, जो फैक्ट है हम लोग करेंगे। किनके द्वारा ये किया गया? ये कोई मुखिया है, मुखिया के बेटे है महावीर पासवान, सद्दाम है, सद्दाम को ही इन्होंने कहा था कि गाड़ी स्पीड फुल्ली चला रहे हो, बच्चों को लग जाएगी, स्पीड कम करके चलाओ, कॉलोनी है ना, तो इतनी सी बात में बहसा बहसी हुई है। नेक्स्ट डे इन्होंने गुंडे बुलाए हैं, घात लगाई है, हथियार के साथ इन्होंने पीछे से वार किया है, गिराया उनको बेहोश करके, उनके साथ जो साथी थे सभी के साथ किया है, मोबाइल छीना छीनी हुई है इनके साथ, पैसे उसे छीने, चैन छीना गया गले से मेरे हस्बैंड के, यही सब बातें हैं सर। स्थिति गंभीर बनी हुई है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर कौर। आपके पति का क्या नाम? इनका नाम गुरमीत सिंह। बताइए डीएसपी पास आए हुए थे, क्या कंप्लेंट लिखा है? कंप्लेंट हमारी ये थी कि हमारे भाई के साथ मारपीट हुआ है, जो कि होली के दिन कुछ भाषाबाजी के कारण भाषाबाजी हुई थी, और दूसरे दिन 9 तारीख को शाम को 8 बजे उन लोगों ने 20-25 बंदे लेके आए, और जो कि मेरे भाई को घेर कर लाठी रड और हथियारों के साथ लैस थे, जो कि मेरे भाई को मार कर अधमरा छोड़ कर चले गए। जो कि उसके साथी लोग बचाने आए उन्हें भी मारा गया, जो कि वहाँ के लोग वीडियो बना रहे थे, मोहन मंडल थे, तो उन्हें भी मारा, उनका मोबाइल छीन लिया गया और उसका पूरा डाटा उड़ा दिया गया, और उन हम लोगों को धमकी भी दे रहे हैं कि सबको हम लोग देख लेंगे, जो कि वो अपना मुखिया पद का पूरा फायदा उठा रहे हैं। कौन है वो? महावीर पासवान हैं और सद्दाम हैं और लड़के हैं, जो कि मैं बाहर में रहता हूँ, तो मुझे कौन है? मुखिया वहाँ का जयप्रकाश पासवान है सर, जो कि हम अब हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। क्या दबाव? दबाव डाल रहे कि तुम लोग केस वापस ले लो, नहीं तो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। भाई क्या करते हैं? भाई हमारे सीआरपीएफ में है, जो कि छत्तीसगढ़ में तैनात हैं, जो कि छुट्टी काटने के लिए घर आए थे, अपने होली खेलने के लिए आए थे, जो कि छोटी सी बासाबासी के चक्कर में उन लोगों ने उस पर पूरा मार के लहूलुहान कर दिया। ये 8 तारीख को तो बहस हुआ था, 9 तारीख को रात के 8 बजे की घटना है। अभी भाई कहाँ है? अभी मेरा भाई असरफी में हॉस्पिटल में भर्ती है, जो कि आईसीयू में है, लगभग 5-6 दिन हो गए हैं सर। मिलने के लिए आए डीएसपी सुकमा में सर? डीएसपी साहब से मिलने के लिए क्या आश्वासन मिला? डीएसपी साहब ने बताया कि भाई जो सच्चाई है उनमें हम कार्रवाई करेंगे, मैं जाता हूँ, मैं पता कर रहा हूँ, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं उनका छोटा भाई है। सर एक कंप्लेंट सर आया है कि मारपीट हुआ है, फौज में इनका भाई है और जलान में सर भर्ती हैं अभी। ये मामला पुटकी थाना में आया है और दोनों पक्ष से केस हुआ है, और इसमें फर्दर अभी अनुसंधान के बाद जो है उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो करेंगे हम लोग। सर
सर थाना में पहले आवेदन दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हाँ तो थाना में आवेदन दिया हुआ है और उसका भी बयान अभी आईसीयू के इन लोगों ने बताया कि अभी आईसीयू में है और उसमें फर्दर एक्शन होगा। ठीक है।